स्वागत है आप सबका लंका प्रीमियर लीग सीजन 2023 के दूसरे डबल हेडर मुकाबले के अंदर, जो कि टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला होगा और दामला औरा और जाफना किंग्स के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि पिछले मुकाबले के अंदर जाफना किंग्स की टीम ने दामला औरा को हराया था, तो इस मुकाबले के अंदर दामला औरा की टीम जीतने की कोशिश करेगी। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं दोनों टीमों के कप्तान, और जिस तरह से दामला औरा की कप्तानी कर रहे हैं कुशाल मेंडिस ने शानदार प्रदर्शन किया हुआ है, और कुशाल मेंडिस जबरदस्त फॉर्म में भी चल रहे हैं। तो वहीं जाफना किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं तिसारा परेरा, जिन्होंने 3 बैक टू बैक सीजन अपने नाम किया हुआ है, मतलब कि 3 सीजन जाफना किंग्स के नाम हुआ है। ये 4th सीजन है लंका प्रीमियर लीग का, तो लंका प्रीमियर लीग के 4th सीजन के अंदर भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है जाफना किंग्स की टीम। हालांकि पॉइंट्स टेबल में इस समय बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, तो चलिए पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर यहाँ पर देखिए, गाले टाइटंस की टीम नंबर 1 पर चल रही है, 3 मुकाबले में 2 जीत हासिल करके 4 अंक हासिल किए हैं, और नेट रन रेट के साथ बेहतर रहने के कारण नंबर 1 पर चल रही है। दामला औरा की टीम 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद है। वहीं जाफना किंग्स की टीम 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक हासिल किए हैं, लेकिन इनके नेट रन रेट जो है माइनस में चल रहे हैं, इस वजह से ये तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। वहीं विलम कैंडी की टीम ने 4 मुकाबलों में 2 जीत हासिल की है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है, और वो भी नंबर 4 पर मौजूद है। कोलंबो स्ट्राइकर की टीम ने 3 मुकाबलों के अंदर 1 जीत हासिल की है और 2 अंकों के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। तो ये पॉइंट्स टेबल का लेखा जोखा रहा है इस सीजन के अंदर। अभी तक 4-4 मुकाबले सभी टीमों ने खेले हैं, गाले टाइटंस और कोलंबो स्ट्राइकर की टीम दिन के पहले मुकाबले के अंदर अपना 4th मुकाबला खेल रही है। तो इस मुकाबले के अंदर देखते हैं कि क्या दामला औरा की टीम पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पहुंचती है, या फिर जाफना किंग्स की टीम नंबर 2 पर पहुंचती है, क्योंकि पहले मुकाबले के अंदर कोलंबो स्ट्राइकर और गाले टाइटंस की टीम खेल रही है। अगर कोलंबो स्ट्राइकर की टीम इस मुकाबले को विन करती है तो वो जो है पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर 5 पर ही रहेगी, क्योंकि नेट रन रेट बेहतर नहीं है इस समय, और गाले टाइटंस की टीम नंबर 1 पर है। तो दूसरे मुकाबले के अंदर अगर जाफना किंग्स की टीम जीत हासिल करती है तो टॉपर एक बार फिर से पहुंच जाएगी, और दामला औरा की टीम अगर दूसरे मुकाबले के अंदर विन करती है तो वो टॉपर पहुंच जाएगी। तो दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, यहाँ पर दामला औरा और जाफना किंग्स के बीच मुकाबला देखने को मिलने वाला है शाम का। तो देखते हैं कि किस प्रकार से आपको टीम बनानी चाहिए, कौन से प्लेयर को आपको अपनी टीम में पिक करना है, किनको ड्रॉप करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उनको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। लंका प्रीमियर लीग सीजन 2023 के 11वें मुकाबले के अंदर जाफना किंग्स और दामला औरा के बीच मुकाबला होगा, जो कि पल्लिकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्लिकल में खेला जाएगा, और यह मुकाबला शाम को 7:30 पर आरंभ होगा। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको कई फायदे हो सकते हैं। आपको बेहतर टीम मिलेगी लास्ट मिनट के अपडेट के साथ साथ, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो इस पिच पर जो आखिरी मुकाबला खेला गया था वो जाफना किंग्स और विलम कैंडी के बीच में 5 अगस्त को ये मुकाबला खेला गया था। यहाँ पर बैटिंग के लिए फ्रेंडली पिच रहती है यहाँ पर, लेकिन लोवेस्ट स्कोर भी बने हैं लास्ट के 2-3 मुकाबले के अंदर, और यहाँ पर तेज गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिलती है। तेज गेंदबाज हमेशा गेम में वापसी करते हैं, यहाँ पर लेग स्पिनर जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पिनर्स की श्रेणी में, तो यहाँ पर तेज गेंदबाज और स्पिनर्स दोनों को ही मदद मिलती है। चलिए पिच पर नज़र डालते हैं कि किस प्रकार से आज के मुकाबले के अंदर पिच रहने वाली है। आज कप सरफेस जो है बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलाया गया है, क्योंकि जो पहला मुकाबला हुआ होगा उसी पर ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, तो पहले मुकाबले के अंदर ये फ्रेश पिच इस्तेमाल हो रही है और इसी पिच पर दूसरा मुकाबला होगा, तो दूसरे मुकाबले के अंदर लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले मुकाबले के अंदर पिच इस्तेमाल हो जाती है, इस वजह से जो है सेकेंड मुकाबले के अंदर
बल्लेबाजों को थोड़ी कठिनाई होती है बल्लेबाजी करने के अंदर, तो इसलिए सेकेंड मुकाबले के अंदर लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो ये पिच रहने वाली है आज के मुकाबले के अंदर, इसी पिच पर मुकाबला खेला जाएगा। फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के स्कोर की बात कर लेते तो इस पिच पर जो आखिरी के मुकाबले खेले गए हैं उन मुकाबलों की बात करते हैं, तो जो लास्ट मुकाबला खेला गया था उस मुकाबले के अंदर 117 रन बनते हैं पहली पारी के अंदर, 9 विकेट गवा करके टीम बनाती है जाफना किंग्स की। और वहीं व्हील ऑफ कैंडी की टीम चेस करने आते हैं, मात्र 13 ओवर के अंदर मुकाबले को विन कर जाते हैं। देख सकते हैं आपकी 13 ओवर के अंदर ही मैच समाप्त हो जाता है, तो किस प्रकार से पिच रहती है, बैटिंग फ्रेंडली रहती है यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट इनिंग के अंदर तेज गेंदबाज ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हैं। उससे पहले मुकाबले के अंदर 192 रन बनते हैं 6 विकेट के नुकसान पर, जो टीम चेस करने आती है 182 रन ही बना पाती है। उससे पहले 156 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनते हैं, और जो टीम चेस करने आती है 160 रन बनाकर मुकाबले को आसानी से विन कर जाती है। उससे पहले 89 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनते हैं, जो टीम चेस करने आती है 90 रन बनाकर मुकाबले को विन कर जाती है। उससे पहले 160 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनते हैं, जो टीम चेस करने आती है 150 रन ही बना पाती है। तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना दूसरे मुकाबले के अंदर कठिन हो जाता है, जिस तरह से पहले मुकाबले के अंदर बल्लेबाजी करना आसान होता है उसी तरह से दूसरे मुकाबले के अंदर बल्लेबाजी करना कठिन हो जाता है दिन के, जब दूसरा मुकाबला दिन का खेला जाता है। तो यहाँ पर अब जान लेते हैं जाफना किंग्स और दमला ओरा की टीम की न्यूज़ क्या रहती है। तो यहाँ पर जाफना किंग्स की टीम ने वेन्यू पर 6 मुकाबले खेले हैं, 3 में उसे जीत मिली है, 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो इस वेन्यू पर जाफना किंग्स की टीम ने 3 मुकाबले गवाए हैं और 3 मुकाबलों में उसे जीत मिली है। वहीं दामला ओरा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अब बात कर लेते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम की, तो यहाँ पर 11 मुकाबलों के अंदर 7 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, वहीं 4 मुकाबलों के अंदर बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने जीत हासिल की हुई है। लास्ट मुकाबले की बात कर लेते हैं तो लास्ट मुकाबले के अंदर 7 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाले हैं, वहीं 4 विकेट स्पिनर्स ने भी निकाले हैं। तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने फर्स्ट इनिंग के अंदर काफ़ी शानदार गेंदबाजी की और उछाल देखने को मिला तेज गेंदबाजों के द्वारा, जिस वजह से विकेट तेज गेंदबाजों के नाम अधिक रहा। अब बात कर लेते हैं तेज गेंदबाज और स्पिनर्स के प्रदर्शन की इस वेन्यू पर, तो इस वेन्यू पर तेज गेंदबाजों ने 12 मुकाबलों के अंदर 89 विकेट निकाले हैं, मतलब 89 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम रहा है 12 मुकाबलों के अंदर। फर्स्ट इनिंग के अंदर 49 विकेट और सेकेंड इनिंग के अंदर 40 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाले हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पारियों के अंदर तेज गेंदबाज बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और हर मुकाबले में 5 से 6 विकेट तेज गेंदबाजों के नाम रहता है। वहीं स्पिनर्स की बात कर लेते हैं तो 12 मुकाबलों के अंदर 46 विकेट फर्स्ट इनिंग के अंदर 23 विकेट और सेकेंड इनिंग के अंदर भी 23 विकेट स्पिनर्स के नाम रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स की, तो दोनों टीमों के बीच टोटल 9 मुकाबले खेले गए हैं। जाफना किंग्स की टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं, दामला ओरा की टीम ने 1 मुकाबला जीता है और 1 मुकाबले का कोई परिणाम नहीं निकल पाया। तो यहाँ पर जाफना किंग्स की टीम बेहतर प्रदर्शन करती है दामला ओरा की टीम से, लेकिन इस वेन्यू पर जाफना किंग्स की टीम का प्रदर्शन कोई खास देखने को नहीं मिला है, 6 मुकाबलों में मात्र 3 जीत हासिल की हुई है। आज के मुकाबले के अंदर फेवरेट टीम की बात कर लेते हैं तो फेवरेट टीम हमारी होगी जाफना किंग्स की टीम, और आज के मुकाबले के अंदर जाफना किंग्स की टीम मुकाबले को विन कर सकती है। तो यहाँ पर बेहतर टीम बनाइए और ग्रैंड लीग के अंदर फर्स्ट रैंक लाने में आपको इस वीडियो से मदद मिलने वाली है। जाफना किंग्स और दमला ओरा के टीम न्यूज जान लेते तो वही पुरानी न्यूज है, क्रिस लिन, डेविड मिलर, शोएब मलिक, रहमानुल्लाह गुरबाज, हरदास बिजोन और जमान खान ओवरसीज प्लेयर हैं जाफना किंग्स की टीम में। वहीं दमला ओरा की टीम में आपको देखने को मिलेंगे रॉस, खेर, वेड, लुंगी एनगडी, और ये दोनों खिलाड़ी इस सीजन के अंदर अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इनको आप अपनी टीम में पिक नहीं करिएगा ध्यान से। नूर अहमद, शहनवाज दानी ओवरसीज प्लेयर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं जाफना किंग्स के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, तो जाफना किंग्स की तरफ से ओपन करते आपको दिखेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज चरित असलंका के साथ में, नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आपको तौहीद हृदय देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पर आपको प्रियमल परेरा,
नंबर पांच पर डेविड मिलर, द किलर मिलर, दुनित वेलालागे, थिसारा परेरा, महेश तिक्साना, विजयकांत व्यासकांत, नुआन तुसारा और नंदे बर्गर आपको देखने को मिलेंगे आज के मुकाबले के अंदर। वहीं बात कर लेते हैं बेंच प्लेयर की, तो बेंच प्लेयर में असिता फर्नांडो, असहान राधिका, आर्दस विलजॉन, दिलशान मधुसंका, पथुम कुमारा, असला गुनारत्ने, क्रिस लिन, निशान मधुस्का, जमान खान, सोएम मलिक और थिसन विदुसन बेंच प्लेयर रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं स्टार्टिंग ओवर की, तो स्टार्टिंग ओवर के अंदर महेश तिक्साना, नंद्रे बर्गर, थिसारा परेरा आपको गेंदबाजी करते देखने को मिलेंगे। डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में नंद्रे बर्गर, नुआन तुसारा और थिसारा परेरा आपको गेंदबाजी करते नजर आने वाले हैं। दामला ओरा के एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की बात कर लेते हो, तो दामला ओरा की तरफ से ओपन करते आपको दिखेंगे अविष्का फर्नांडो, कप्तान कुशाल मेंडिस के साथ में। नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए आपको देखने को मिलेंगे धनंजय डी सिल्वा, जिन्होंने हर मुकाबले के अंदर बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले मुकाबले के अंदर किस तरह से दामला ओरा की टीम ने जीत हासिल की है जो है काबिले तारीफ रहा है। जिस तरह से कुशाल मेंडिस की बल्लेबाजी देखने को मिली, हमें फॉर्म में वापसी करते हुए कुशाल मेंडिस, अविष्का फर्नांडो ऑलरेडी फॉर्म में हैं और कुशाल परेरा भी अपना फॉर्म दिखा चुके हैं। सदीरा समर विक्रमा, एलेक्स रॉस, रविंदु फर्नांडो, ईडन केर, विनुरा फर्नांडो, प्रवीण जया विक्रमा, शहनवाज दानी आपको बेंच एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन के अंदर दिखेंगे। प्रमोद मधुसन, लक्षण इधर सिंह, नूर अहमद जहान, डेनियल लुंगियनगडी, जनित लियांगे, मनेलकर डिसिल्वा, काविंदु लक्षण, मैथ्यू वेड, वनुंजा सहान और सचिता जया थिलका आपके बेंच प्लेयर रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ओवर की गेंदबाजी विनुरा फर्नांडो, शहनवाज दानी, एडन केर करने वाले हैं। वहीं डेथ ओवर की गेंदबाजी के अंदर एडन केर, विनुरा फर्नांडो और शहनवाज दानी आपको गेंदबाजी करते नजर आएंगे। बात कर लेते हैं जाफना किंग्स के प्लेयर के रिसेंट फॉर्म की, तो यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं पहले जाफना किंग्स की। तो रहमानुल्लाह अग्रवाल लास्ट मुकाबले के अंदर कोई रन नहीं बनाया था, इन्होंने 0 रन पर आउट हो गए थे। उससे पहले मुकाबले के अंदर 21 रन, 27 रन, 45 रन, 56 रन, 13 रन और 35 रन। तो इन्होंने लास्ट के जो इस सीजन के अंदर 4 मुकाबले खेले हैं जाफना किंग्स की टीम ने, हर मुकाबले में रमनुल्लाह गुरबाज को मौका मिला है। एक बार 42+ का स्कोर इन्होंने किया है, 45 रन बनाया, उससे पहले कोई खास प्रदर्शन इनके द्वारा देखने को नहीं मिला है। चलिए तो श्रीलंका की बात कर लेते तो ये भी कोई बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक इनके बल्ले से देखने को नहीं मिला है। 30 रनों की पारी इन्होंने एक मुकाबले के अंदर खेली है, उसके अलावा कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। तो एक रुदा की बात कर लेते तो 19 रन 54 रन 19 रन 47 रन। तो ही रुदा ने 2 मुकाबलों के अंदर 30+ का स्कोर किया हुआ है, 2 मुकाबलों के अंदर 19 रन बनाए हैं। प्रिमल परेरा भी 3 मुकाबलों में 22 रन बनाए हैं और एक मुकाबले में 27 रन बनाए हैं। तो मतलब कि इस सीजन के अंदर अभी तक जाफना किंग्स की बल्लेबाजी में वो दमखम नहीं दिखा है जिस तरह से हर सीजन के अंदर देखने को मिलता है। डेविड मिलर भी अभी तक कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। थिसारा परेरा भी 2 रन 14 रन 24 रन 3 रन 4 रन की पारी खेली है। दुनित वेलालागे थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, 38 रन विकेटलेस, 25 रन विकेटलेस, 14 रन 1 विकेट, 21 रन 2 विकेट। तो इस तरह से दुनित वेलालागे का प्रदर्शन रहा है। महेश तिक्साना की बात कर लेते हैं तो लास्ट मुकाबले के अंदर 0 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 13 रन 4 विकेट, 4 विकेट, 28 रन 3 विकेट और 4 विकेट। तो इस तरह से इनका प्रदर्शन रहा है। नंद्रे बर्गर की बात कर लेते हैं तो लास्ट मुकाबले के अंदर 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट इनके नाम रहा है। नुआन तुसारा की बात कर लेते हैं तो नुआन तुसारा ने लास्ट मुकाबले के अंदर विकेट लेस रहे, उससे पहले 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट इनके नाम रहा। विजयकांत व्यासकांत की बात करें तो लास्ट मुकाबले में भी विकेट लेस जाते हैं ये, उससे पहले भी विकेट लेस गए थे, उससे पहले 2 विकेट, 14 रन, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। विजयकांत व्यासकांत का प्रदर्शन इस तरह से रहा है। बात कर लेते हैं बेंच प्लेयर की, तो असिता फर्नांडो, असान राधिका, निशान मधुसंका, पथुन कुमारा, असला गुनारत्ने, हरदस विलजॉन, दिलशान मधुसंका, सोएम मलिक और थिसन विदुसन, इन सभी खिलाड़ियों के ये रिसेंट फॉर्म है आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से इनमें
आपको देखने को मिलेंगे दिलशान मधुसन का, जिनको कि मौका टीम दे सकती है, और इसला गुना रत्ने को भी टीम मौका दे सकती है आज के मुकाबले के अंदर। जिस तरह से अभी तक इनका प्रदर्शन रहा है, इस सीजन के अंदर परिवर्तन देखने को मिल सकता है इस मुकाबले के अंदर जाफना किंग्स की टीम में। बात कर लेते हैं दामला ओरा के रिसेंट प्लेयर के रिसेंट फॉर्म की, तो यहाँ पर अविष्का फर्नांडो लास्ट मुकाबले के अंदर 12 रन, उससे पहले 32 52 एक रन बनाए हैं। कुशाल मेंडिस लास्ट मुकाबले के अंदर 87 रन, उससे पहले 7 रन 29 रन और एक रन की पारी इन्होंने खेली है। सधीरा समर विक्रमा लास्ट मुकाबले के अंदर 59 रन बनाए थे इन्होंने, उससे पहले 14 रन 12 रन 13 रन 18 रन। तो ये भी अभी तक एक बड़ी पारी देखने को मिली है सधीरा समर विक्रमा के बल्ले से, और एक ही बड़ी पारी देखने को मिली है कुशाल मेंडिस के बल्ले से। धनंजय डिसिल्वा हर मुकाबले में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लास्ट मुकाबले के अंदर 15 रन एक विकेट, उससे पहले 61 रन एक विकेट और 43 रन एक विकेट ये निकाल चुके हैं इस सीजन के अंदर लास्ट के चार मुकाबलों के अंदर। तो चार मुकाबलों में इन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही बेहतर प्रदर्शन किया है, हर मुकाबले में एक विकेट और रन भी ये कर रहे हैं। तो इनको टीम में आप पिक करके ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। कुशाल परेरा 2 रन 4 रन 35 40 34 36 और 53 रन, कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते हैं, लेकिन लास्ट के दो मुकाबलों के अंदर 2 और 4 रन की पारी इनके बल्ले से देखने को मिली है। एलेक्स रॉस की बात कर लेते हो तो लास्ट मुकाबले में 4 रन, उससे पहले 21 रन, उससे पहले मौका नहीं मिला, उससे पहले 39 रन। तो लास्ट के चार मुकाबले जो इन्होंने खेले हैं उसमें एक 30 प्लस का स्कोर देखने को मिला है एलेक्स रॉस के द्वारा। इडेन खेर की बात कर लेते हैं तो एक विकेट 0 रन बना करके 12 रन एक विकेट और 20 रन 0 विकेट। तो इस सीजन के अंदर चार मुकाबलों में मात्र 3 विकेट दर्ज हैं और मात्र 32 रन इन्होंने बनाए हैं इडन केर ने। हसन अली लास्ट मुकाबले के अंदर इनको मौका मिलता है लेकिन विकेट लेस जाते हैं, इससे पहले इनको खेलने का मौका नहीं मिला है। इनके रिसेंट फॉर्म आप इस तरह से देख सकते हैं। प्रवीण जया विक्रमा विकेट लेस लास्ट मुकाबले के अंदर और इन्होंने चार मुकाबले के अंदर भी कोई विकेट निकाला नहीं है। नूर अहमद लास्ट मुकाबले के अंदर विकेट लेस जाते हैं और इनका प्रदर्शन इस प्रकार से रहता है। अब बात कर लेते हैं प्रमोद मधुसन की, तो प्रमोद मधुसन लास्ट मुकाबले के अंदर विकेट लेस जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से इनका प्रदर्शन रहा है। अब बात कर लेते हैं बेंच प्लेयर की, तो बेंच प्लेयर आपके देखने को मिलेंगे शाहनवाज दानी, रविंद्र फर्नांडो, वेरुंडा फर्नांडो, लक्षण इधर सिंह, जान डेनियल, मानेलकर, डिसिल्वा, कविंदु लक्षण, वनंजू वनुजा, सहान और सचिता जयाथिलका, ये सभी प्लेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन इस मुकाबले के अंदर धनंजय डिसिल्वा ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन, इनको ट्राई करिए आप, और वाइस कैप्टन के रूप में चरित असलंका के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो इनको आपको अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर पिक करना चाहिए। वही डिफरेंशियल पिक फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन देख लेते हैं, तो इस मुकाबले के अंदर आपको कैप्टन के रूप में कुशाल मेंडिस, दुनित मेलालागे के साथ आप जा सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में। वही प्रमोद मधुसन और महेश तिक्साना आज के मुकाबले के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन के कम्बिनेशन के रूप में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इस मुकाबले के अंदर चरिता श्रीलंका के बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिल सकती है, तो इनको आप ग्रैंड लीग में कैप्टन जरूर ट्राई करिएगा। सधीरा समर विक्रमा एक बार फिर से बड़ी पारी खेल सकते हैं, तो इनको आपको अपनी टीम में पिक करना चाहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उनको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम आपको ड्रीम इलेवन पर किन किन खिलाड़ियों को पिक करना है उसके बारे में बताते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको रखना है कुशाल मेंडिस को रामनुला अग्रवाज के साथ में, सधीरा समर विक्रमा के साथ भी आप जा सकते हैं इस मुकाबले के अंदर। तो यहाँ पर बल्लेबाजी में अविष्का फर्नांडो, कुशाल परेरा के साथ भी आप असलंका को ले सकते हैं, तौहीद हृदय, धनंजय डिसिल्वा, हिदेन खेर, दुनित वेला लागे, इन खिलाड़ियों को पिक करिए। महेश तिक्साना, नूर अहमद और यहाँ से हसन अली या नुआन तुसारा में से किसी एक को पिक करना है आपको। अब देखते हैं कि किन खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं। यहाँ से नुआन तुसारा को पिक कर लीजिए क्योंकि बेहतर ऑप्शन होने वाले हैं आज के मुकाबले के अंदर। तो इस तरह से आपको टीम बनानी है। अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो इस मुकाबले के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन देखिए 50% धनंजय डिसिल्वा का कैप्टन के रूप में सिलेक्शन
और श्रीलंका का मात्र 3% कैप्टन के रूप में सिलेक्शन, दुनित वेलेला के 32% है, तो इनको आपको वाइस कैप्टन ट्राई करना है। तो इस तरह से टीम बनकर तैयार हो जाती है। इस टीम के साथ आप जाइए उग्रण लीग के अंदर फर्स्ट रैंक लाइए, जिससे कि आपको एक बेहतर और बेहतर टीम मिल सके हमारे चैनल पर।